अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देने के लिए देश के कोने कोने में रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है, जिसमें अधर्म के मार्ग पर चलने वाले एक एक कर धराशायी भी होते नजर आते हैं। ये एक कड़वा सच है कि अधर्म के मार्ग पर चलने का अंत बुरा ही होता है। आपको बता दें कि मथुरा के रामलीला मैदान में भी रामलीला का मंचन किया जाता है। इस मंचन में विशेष बात यह रहती है कि यहाँ मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस विषय में जानकारी देते हुए रामलीला कमेटी के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि इस मंचन के दौरान स्वरूपों को ईश्वर मानकर उनकी विधिवत सेवा पूजा की जाती है। लेकिन मथुरा में चूंकि हमारी एक धार्मिक मान्यता के अनुसार रामलीला होती है, तो वही जो परंपरा चली आ रही है शास्त्रीय परंपरा, वही से का पूरा जो है पालन होता है। मर्यादा से हट करके कोई भी प्रश्न नहीं होता है। जैसे आप देखें कहीं इतने छोटे स्वरूप नहीं होंगे। हमारे यहाँ यदि रेख आ गई है चेहरे पर तो वो जो स्वरूप जो है कभी मुकुट धारण नहीं करते हैं, उसकी पूरी एक परंपरा का पालन हो रहा है। और जो हमारा 21 दिन का कार्यक्रम है, वर्ण बंधन के बाद में मुकुट पूजन के बाद में जो स्वरूप हैं उनको स्वरूप के रूप में उनके साथ में सम्मान होता है। ये माना जाता है कि ये मुकुट धारण कर लिया वर्ण बंधन के स्वरूप हैं, तो वैसे ही उनके जो पूजा पद्धति, उनका जो है श्रृंगार, उनका भोग, वो व्यवस्था वैसी होती है। तो इसलिए मथुरा की जो रामलीला है वो विशेष रामलीला मानी जाती है। और भारत भर में जो मंडलियाँ जा रही हैं उसका मुख्य जो एक श्रेय है वो मथुरा की रामलीला कमेटी को ही है कि शुरुआत यहाँ से हुई और यहीं से लोग प्रशिक्षित होकर के पूरे भारतवर्ष में रामलीला का प्रदर्शन करके हिंदू समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। रावण के पुतला दहन की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस पुतले को कौन बनाता है और उसके मन में क्या भाव रहता है, ये आप इस कारीगर की जुबानी सुन सकते हैं। मेरा नाम छोटे गाँव है। ये 4 पीढ़ी चला आ रहा है हमारा ये काम। बाबा बनाते, हमारे पिताजी बनाते, फिर ताऊ बनाते, अब आज हम बना रहे हैं। आगे चल के देखिएगा बच्चे बनाए या ना बनाए, सिखा तो रहे। अगर ठाकुर जी की सेवा करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बनाने का हमें शौक है, लगता तो बहुत अच्छा है। जब जलाते हैं तो दुख होता, अपनी अपनी चीज़ को जलाते हैं बस, और क्या। छोटे खां जिसने रावण का पुतला तैयार किया, वैसे तो ये मुस्लिम धर्म से आता है, लेकिन इसके परिवार में पिछले 4 पीढ़ियों से रावण के पुतले बनाने का काम किया जाता रहा है। इसके मन में ठाकुर जी के प्रति इतनी श्रद्धा कहीं ना कहीं सभी धर्मों की समानता की ओर इशारा करती है। काश कि इस देश के राजनीतिक लोगों के मन में भी कोई छोटे खां बसे और समाज को तोड़ने की जगह जोड़ने का काम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।